कमरे में प्रॉब्लम थी क्या? हवा आ रही थी पीछे। अच्छा, टूटी हुई है खिड़की। यहाँ भी लाइट जल रही है, एक लाइट खराब। आप लोगों ने न्याय मंदिर का जो टेस्ट दिया है उसकी कॉपी रेडी हो गई है, आज लेके आए। और थोड़ी थोड़ी बात मैं हर कॉपी के बारे में कहना भी चाहता हूँ। तो पर्सनल कहूँ कि यही कॉमन कह सकता है, बहुत अच्छे से कह सकते हैं। एक तो ये कहना चाहता हूँ कि कॉमन सब ने बहुत अच्छा लिखा है, और मैं जो अपेक्षा करता था उससे ज़्यादा अच्छा लिखा। मतलब एक ये होता है कि पहली बार ये विषय पढ़ रहे हैं एक प्रकार से न्याय का, और ख़ासकर जैन दर्शन के और जो हमारे विषय हैं उन पर तो प्रायः हम लोग अन्यत्र भी सुनते रहते हैं, तो एक उसका अभ्यास पहले से रहता है। लेकिन ये जैन दर्शन मैंने हमारे लिए एक नया विषय था कि न्याय पढ़ना है, तो न्याय पढ़ने से लोग घबराते हैं और इस कारण से ये बहुत समाज में पॉपुलर नहीं हो पाता है। और आपने शुरू में न्याय शास्त्र की आवश्यकता वाला जो प्रस्तावना पढ़ी है उससे आप ये समझ गए होंगे कि तत्व ज्ञान में इसका कितना महत्व है, और प्राचीन काल से ही आचार्यों ने न्याय शास्त्र को क्यों महत्व दिया है। एक बात और ये कहना चाहते हैं कि हम ये जो न्याय मंदिर ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा हम एक डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ परिभाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। न्याय शास्त्र में बहुत तरह की गहराइयाँ हैं, बहुत तर्क वितर्क है, लेकिन हमारा एक प्राइमरी स्टेज है एक प्रकार से। इस न्याय शास्त्र की लोअर केजी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, LKG बोलते हैं ना, वो वाली क्लास है। आप जब न्याय दीपिका ग्रंथ पढ़ेंगे या वो फर्स्ट वही है तो वो UKG की क्लास होगी, ये हमारी LKG की क्लास है। और इससे हम एक एक शब्द की अर्थ समझने की कोशिश कर, क्योंकि क्या है दर्शन के क्षेत्र में प्रायः क्या होता है, शब्दावली वही रहती है लेकिन व्यवहार जगत में उसका अलग अर्थ रहता है और दर्शन जगत में उसका अलग अर्थ रहता है। तो एक तो टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं वो अगर हमको अपने विषय की समझ में आ जाए तो वो ग्रंथ समझ में आने लगता। अभी अगर हमको मान लो पक्ष शब्द है तो पक्ष शब्द का क्या अर्थ लगाएंगे हम क्या समझते हैं पक्ष माने क्या होता है? पक्ष प्रतिपक्ष। हाँ, एक तो पक्ष प्रतिपक्ष अर्थ लगाते हैं कि हम एक पक्षी है और ये प्रतिपक्ष है। पक्ष शब्द का एक अर्थ 15 दिन को भी पक्ष बोलते हैं, है ना। और कई शब्द अर्थ होते हैं, पक्षपात के अर्थ में भी होता है, पार्शियलिटी भी हम कहते हैं, एक पक्ष वही हो गया एक तरफ का। अब यहाँ हम पढ़ेंगे तो उसका अलग अर्थ आएगा, अभी हम आज आगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है किसी भी दर्शन को समझने के लिए, इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैन दर्शन के लिए, आपको अगर बौद्ध दर्शन समझना है, न्याय दर्शन समझना है, वेदांत दर्शन समझना है, तो सबसे पहले कुछ तो कॉमन दार्शनिक शब्दावलियाँ होती हैं कि जिनके बारे में हमें परिचय रहे तो हम वो दर्शन समझ जाएंगे। और कुछ हर दर्शन की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, उसका एक अपनी डिक्शनरी होती है, हमको उसकी डिक्शनरी को पढ़कर ही उसका दर्शन समझना चाहिए। अगर हम अपनी डिक्शनरी खोलेंगे और दर्शन उसका समझने जाएंगे तो हम समस्या में फंस सकते हैं। बहुत कुछ बातें तो समान रहती हैं लेकिन कई जगह उसकी अपनी टेक्निकल टर्म है, वो अपनी बात कह रहा है, तो वो उस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करता है ये हमें जानना जरूरी है यदि हमें वो दर्शन समझना हो। अक्सर क्या होता है हम किसी को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कॉमन उसमें नहीं आते हैं, हम क्या कर देते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं और बात उसकी ले लेते हैं और उसको काट देते हैं कि भाई ये गलत है। तो अब वो तो जवाब देने के लिए खड़ा नहीं है अभी सामने, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो जब ये कह रहा है कि इस शब्द का ये अर्थ नहीं लगा रहे हैं हम, आपको पता है ये
जब हम लोग समभिरूढ़ नए पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात आती है कि भाई वो इस अर्थ में उसको रूढ़ कर दिया है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देश में, दूसरे देशों में भी जाएंगे तो हो सकता है वो शब्द वही हो लेकिन वहाँ अर्थ किसी और अर्थ में प्रयुक्त हो रहा हो। तो आपका कर्तव्य है कि अगर वहाँ की बात समझनी है तो पहले उस देश की डिक्शनरी देखनी पड़ेगी कि यहाँ ये शब्द किस अर्थ में प्रयोग, तब वो बात समझ में आएगी। इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम न्याय मंदिर पढ़ रहे हैं तो ये न्याय मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी ने जो बहुत ही तन्मयता से परिश्रम पूर्वक ये जो टेस्ट दिया है, और अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, जब मैं चेक किया तो मैं बहुत आनंदित हो गया। मुझे नींद आ रही थी पहले, तो नींद खुल गई सही कह रहा हूँ, रात में मैं चेक कर रहा था तो मेरी नींद खुल गई। घर में ऑब्जेक्शन होने लगा कि क्यों नहीं सो रहे, तो हमने कहा कि भाई ये जब कॉपी हमको पढ़ने में आनंद आ रहा है, और मैं आपको बताता हूँ जनरली हम बहुत कॉपी पढ़ते नहीं हैं, मैंने एक बार देखने से समझ में आ जाता है, जो जनरल मार्किंग भी करते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो एक एक शब्द पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन ये हमारा टेस्ट था तो हमारा मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमको इसमें सिर्फ अपनी कमियाँ देखनी थी कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। एक प्रैक्टिस है, तो जैसे कोच होता है और वो जब हम प्रैक्टिस मैच में करते हैं तो बीच में रोक रोक के भी बताता रहता है कि भाई इधर ऐसे नहीं खेलना है, ऐसे खेलना है, लेकिन वहाँ नहीं रोक टोकता है जब फाइनल मैच हो रहा होता है, लेकिन वो पहले पूरी गलती पहले निकाल देता है। तो वही कोशिश हमने की है, मैंने एक एक शब्द से सारे आंसर पढ़े हैं, तो कई लोगों ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग, मैंने जो हम सोचते थे वो अच्छे उत्तर दिए, और कई ने करीब करीब उत्तर दिए। कुछ जगह शब्दों में शिथिलता हो गई है, उससे पता लग रहा है कि अगले को पता तो है आंसर, मतलब उसकी अभिव्यक्ति से पता चल रहा है कि उसको आंसर मालूम है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाया। कई बार होता है एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, उसको आंसर पता है, ये पता चल रहा है। तो मैं आपसे एक कॉमन ये सलाह देना चाहता हूँ कि हमने जब इतनी प्रैक्टिस की है तो हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस भाषा की भी करनी चाहिए। और ये बात इसलिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, एक बार शुरू में जो ये ISJS इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज़, जिसमें फॉरेन स्कॉलर्स आके पढ़ते हैं, तो उनके बीच में मैं लेक्चर देने जाता था, तो उनको भी मैं ये बात बताता था कि भाई एक तो हम इंग्लिश में बोलने के लिए आ गए हैं आपके सामने ये सोच करके कि आपको हिंदी संस्कृत नहीं आती है, लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप इस बात का आग्रह नहीं रखें कि हम इंग्लिश में ही समझेंगे सब, क्योंकि ये जिस भाषा में मूल में जिसकी इसकी आगमन हुआ है, जिस भाषा में या जिस देश का ग्रंथ है, उस देश की भाषा भी आपको सीखनी चाहिए, सिर्फ बात नहीं सीखनी है। अगर आपको गहराई में यूं ही काम चलाना है तो बात अलग है, उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी गहराई में जाना है। अगर अपनी माँ की बात समझनी है तो माँ की भाषा तो आनी चाहिए, ये बात। तो हमने उनको ये सलाह दी थी और हमने उनकी प्रैक्टिस संस्कृत के श्लोकों की भी कराई थी, उच्चारण भी कराया था सूत्रों का, और ये बात कही थी। ये अंदर की तड़फ होती है कि हमको ये चीज़ सीखनी है, तो फिर उसकी भाषा भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने एक उपन्यास का नाम सुना होगा, चंद्रकांता संतति, किसका था ये उपन्यास ना? हाँ, देखिए ये उपन्यास सीरियल भी आता था, तो हमारे समय की बात नहीं, और पहले जब ये लिखा गया था तो हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि ये इतना प्रचलित उपन्यास था हिंदी साहित्य का, चंद्रकांता संतति, कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, मैंने लोगों ने जिनको हिंदी नहीं आती थी वो हिंदी सीख सीख के ये उपन्यास पढ़ रहे थे, मैंने इसकी दीवानगी इस कदर लोगों को सवार हो गई थी कि अब ये उपन्यास हम भाषा तो जानते नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, और मान लो कोई ट्रांसलेशन कर दे तो वो मज़ा नहीं आएगा उपन्यास पढ़ने में, ट्रांसलेशन में जो ओरिजिनल में आएगा। तो लोगों ने हिंदी सीखी। तो एक मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कॉमन सबसे कि हिंदी का भी अभ्यास करिए। बहुत अच्छा लगा लोगों ने संस्कृत की परिभाषाएं लिखी हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें भी जो सुधार है वो मैंने कर दिए हैं, तो वो गलती भी हमें निकाल लेनी है। बाकी अधिकतर लोगों ने तो शुद्ध लिखा है, अच्छा लिखा है। तो ये कुछ कॉमन बातें मैं कहना चाह रहा था, तो हमको ये
इस ये संकोच छोड़ देना चाहिए कि हमें हिंदी नहीं सीखनी है। हिंदी हो, संस्कृत हो, प्राकृत हो, ये लैंग्वेज अगर हमें जिनवाणी की गहराई में जाना है, दर्शन की गहराई में जाना है, तो हमें अपनी भाषा, वो जिस भाषा में वो दर्शन प्रतिपादित हुआ है, वो भाषा का अभ्यास भी हमको करना होगा। और कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे कई सर्वज्ञ सिद्धि के मामले में कई ने तो बहुत ही अच्छा प्रतिपादन किया, और कई बार जगह बहुत संकोच में रह गए, बहुत थोड़ा लिख कर रह गए, जैसे और भी ज़्यादा लिखा जा सकता। कभी होता है समय की कमी हो, या फिर दूसरे प्रश्नों में ज़्यादा समय लग गया, ऐसा भी होता है। कुछ एक बातें ऐसी होती हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से बता रहे हैं, यहाँ तो अच्छा किया कि कभी कभी हम छोटे प्रश्नों में ज़्यादा समय लगा देते हैं। ये इसमें भी देखने में आया कि जहाँ हमको बहुत उसमें और ज़्यादा नहीं लिख करते तो भी उतने ही मार्क्स मिलने थे, लेकिन अच्छा है अगर हमारे पास है तो हमने लिखा है, टेस्ट में तो चलता है, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसमें एक पर्पज़ होता है मार्क्स गेन करना, कि हमको अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो वहाँ इस बात को आप अवश्य फॉलो करेंगे कि जो कम नंबर के प्रश्न हैं उनको उतने ही लिखें जितने के लायक है, और जो बड़ा, कई लोगों ने ऐसा किया ना तो बड़े में रह गए, मुझे लगा कि वो समय की कमी हो रही होगी, क्योंकि बड़ा वाला ज़्यादा लिखने को था लेकिन समय नहीं बचा था, तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो ये बातें भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। मैं दे रहा हूँ, दीपा तुम दे दो कॉपी, आपके पास दे देते हैं, आप इसको अच्छे से देख के बाद में मुझे दे देना। सुनीता जी, सुनीता जी जितना घबरा रही थी कि वे न्याय में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इन्होंने जो प्रैक्टिस की है वो वास्तव में बहुत माने काबिले तारीफ है। और फिर वंदना जी, वंदना जी पूरे मार्क्स लेकर आई हैं, और देखिए कोई छोटी छोटी गलती थी तो मैंने उसके मार्क्स नहीं काटे, मैं इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहता था कि आधा आधा नंबर काटेंगे, तो मार्क्स इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बात बहुत अच्छे से बहुत स्पष्ट शब्दों में कही है। ये हमारे गौरव जी ने लिख करके भेजा है कोरियर से, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है, कुछ सुधार की गुंजाइश तो है ही, और वो मैं मान रहा हूँ थोड़ी सी भाषा की प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत अच्छे से है, लेकिन बहुत अच्छा उत्तर लिखा, संस्कृत में कुछ चीज़ें लिखी तो बहुत सही लिखी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आशु जी, आशु जी भी आउटस्टैंडिंग इसलिए मैं बात सबके कह रहा हूँ कि आशु जी ने जो लिखा है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिखा, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पूरा लिखा है, और बहुत व्यवस्थित तरीके से, जैसा हम मैंने अपेक्षा करते हैं, और परीक्षा में भी और नोट्स में भी वो ये सब बातें होती हैं, हम कितने सिस्टमेटिक उसमें चल रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। एक हमारे रजत जी की कॉपी है, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, और भाषा की थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। रजत जी के लिए ये कहना चाहते हैं कि आप टेक्स्ट थोड़ा डीपली पढ़िए, टेक्स्ट मीन्स जो हम इसको सुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ऐसा लग रहा है सुन के ज़्यादा बात कही गई है, इससे अगर शब्द से याद किया जाए बात को, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप न्यायशास्त्र को मैथ समझो, जैसे मैथ होता है ना, मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो न्यायशास्त्र क्या है, मैथ है, एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो अर्थ बदल जाता है, और ये थोड़ी सी हमको सावधानी भाषा को लेकर के इसलिए रखनी है। श्रुति, श्रुति जैन, इन्होंने भी संस्कृत की परिभाषाएं लिखी, बहुत सुंदर लिखी हैं, और मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा और लिखना चाह रहे थे लेकिन लिख नहीं पाए टाइम के कारण ना, हाँ हाँ थोड़ा तो स्पीड भी हमें बढ़ानी चाहिए। ऐसा देखिए इसमें हमने ज़्यादा टाइम बाउंड तो उतना रखा नहीं था, अब अच्छे से लिख रहे थे क्योंकि हम चाहते थे विषय निकल करके सामने आए, लेकिन एग्जामिनेशन में तो टाइम बाउंड बहुत रहता है। कुछ एक दो बातें ऐसी आपको सबको बताना चाहता हूँ कॉमन, फिर वो हर एक के साथ नहीं कहेंगे, जो भी परिभाषा हम लिखते हैं, जैसे लिखा ना रामम, तो जैसे मान लीजिए स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ये अधिकतर लोगों ने गलती की इसलिए बता रहे,
प्रमाणम जब लास्ट में लिख रहे हैं तो म हलंत लगा के लिखिए, उसमें अनुस्वार मत लगाइए। और ये संस्कृत की जनरल बात है कि जब आपके वाक्य का अंत हो रहा है, अगर प्रमाणम शब्द बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है प्रमाणम शब्द, तो आप अनुस्वार लगाइए। लेकिन अगर प्रमाणम शब्द या ऐसा और भी कोई शब्द लास्ट में आ रहा है तो उसमें पूरा पूरा हलंत मकार लगा करके उसका अंत करना है, वहाँ पर अनुस्वार लगा करके उसका अंत नहीं करते। आप पूरे सूत्रों में देखेंगे लास्ट का जो रहता है उसमें म लिख के हलंत रहता है, तो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा, तो हम आगे भी कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा जैन व्याकरण का सिद्धांत ये नहीं रहा है कि उसमें बचा ले जो अच्छा वो नहीं सर आपने कोई किया फर्स्ट क्लास ये नहीं उसमें बचाना है। देखिए म का मोनुस्वार एक सूत्र है जिससे अनुस्वार म का हो जाता है और हर जगह किया जाता है, लेकिन हम जो सूत्र हमारे आचार्यों ने जैसा लिखा है उसका एक कारण है, माने वो हम उस कारण की डिटेल में नहीं जा रहे, इसलिए एक तो ये समझ में आता है कि अब संपन्न हो गया ये, है ना। और जहाँ अनुस्वार रहता है तो लगता कोई आगे भी कुछ चीज़ जुड़ने वाली है, कुछ रह गई है, तो वो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उसका ध्यान रखें। शवि जैन, राकेश कुमार जैन, हाँ, इन्होंने भी बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है और संस्कृत की परिभाषाएं लिखी, लगभग सभी परिभाषाएं लिखी, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए कुछ लोगों ने संस्कृत की परिभाषा नहीं लिखी है तो वो कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसको हम प्रेफरेंस में रखते हैं कि अगर संस्कृत का लक्षण आपको याद है तो आप भटकेंगे नहीं। मैं आपसे बता रहा हूँ हिंदी में थोड़ा इधर उधर भटकने का चांस रहेगा, क्योंकि हम हिंदी अपने हिसाब से लिख रहे हैं। संस्कृत का यूं याद है तो उसका अर्थ करते हुए हम हिंदी कर देंगे तो बिल्कुल सही बैठ जाएगा, इसलिए इनके भी लगभग पूरे ही नंबर हैं, और नंबर तो देख लेंगे, लेकिन इन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि पे बहुत अच्छा विवेचन किया है। साधना जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है, संस्कृत के उद्धरण भी लिखे हैं और सर्वज्ञ सिद्धि प्रकरण में भी काफ़ी अच्छा विवेचन किया है, खासकर स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कई लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगभग 99% लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा इस प्रकरण को, स्वतः प्रामाण्य परतः प्रामाण्य का। और उदाहरण भी जो था, कई लोगों ने तो जैसा उसमें उदाहरण लिखा है हूबहू वैसा लिखा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने मन से भी उदाहरण वगैरह तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो टेक्स्ट में लिखा है वो आप लिखते हैं तो उसमें भटकने की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि वो उदाहरण भी सोच के निर्धारित किया गया, वो इधर उधर की बात भी लिख सकते थे। इसी तरह छवि जैन, सुखमाल जैन, इनका भी, इन्होंने भी संस्कृत की परिभाषाएं लिखी हैं, और इन्होंने सिर्फ संस्कृत की परिभाषा लिखी, अर्थ नहीं लिखा, लेकिन मार्क्स पूरे लिखे हैं शॉर्ट में। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने एक परिभाषा लिख दी ना, नंबर पूरे मिल गए, क्योंकि परिभाषा हो गई और इससे पता चलता है कि अर्थ तो मालूम ही है। इन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर लिए, और मैं ये इसलिए सब बातें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तुरंत ध्यान है, क्योंकि और ज़्यादा समय बीतेगा तो मैं भूल जाऊँगा कि किसी लाभ मिलेगा है, हम सबको भी उससे लाभ मिलेगा। हाँ, इसलिए भी बता रहे हैं कि कोई किसी की कोई कमी है तो हमको और पता चल जाए। वाणी जैन, इसने बहुत अच्छा लिखा, थोड़ा सा सूत्रों में कहीं एक का शब्द थोड़ा इधर उधर हो गया था, बाकी सूत्र लिखने की प्रयास किया है, बहुत अच्छा। दीप्ति सिंगल जी, आपका नाम इसमें दीप्ति जैन लिखा है ना इस लिस्ट में, हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा और मुझे खुशी है कि हिंदी लिखने की प्रैक्टिस की, तो अपनी तरफ से बहुत करने की कोशिश की है। अब सचिन सरावगी, इसको तो मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ इसलिए कि इसने एक नई विधा को जन्म दिया है नई विधा कौन सी, और मैं सजेशन भी देना चाहता हूँ, मैंने इसमें लिख दिया है कि यूज हिंदी और इंग्लिश, नॉट हिंग्लिश। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात लिखी है ना, इसने परिभाषा सही लिखी है। क्या होता है कि ये जो एक मैसेज वाली लैंग्वेज है, कि जैसे हमसे हिंदी टाइप करते नहीं बनता तो हम इंग्लिश के वर्ड्स में ही हिंदी लिख देते हैं,
है ना, वो उसे यूएसई उसे लिख दिया। तो ये क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो इंग्लिश का व्यक्ति है आप इंग्लिश में आंसर दें, और इंग्लिश में आप अगर उसका आंसर देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप समझने वाले सब समझते भी हैं। आप एक जो प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, वहाँ आप यूं का यूं शब्द इंग्लिश में लिख दीजिए, जैसे प्रत्यक्ष लिखना है तो आप प्रत्यक्ष में पी आर ए करके प्रत्यक्ष लिख दीजिए, वो कोई मैटर नहीं है अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, लैंग्वेज हिंदी नहीं होनी चाहिए। वहाँ क्या रोमन लिपि रोमन है लेकिन लैंग्वेज हिंदी है, तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में एक्सेप्ट नहीं होगी। अभी अच्छा हुआ टेस्ट के कारण हमें पता लग गया, आंसर सारे लिखे हैं बहुत अच्छे लिखे हैं, उससे पता चलता है कि सारी बातें समझ में आ गई हैं और इन्होंने जिस भी भाषा का प्रयोग किया है। अब एक आप लोगों को बात बताते हैं, इसने एक शब्द लिखा है, ये इसलिए बता रहे हैं कि इसके इससे आप थोड़ा समझेंगे। जैसे अवग्रह का लक्षण बतलाया, अवग्रह का क्या लक्षण है, अवग्रह दर्शन के अनंतर जो सामान्य अवलोकन रूप ज्ञान होता है उसे अवग्रह कहते हैं। अब देखो ये बात समझना है, दर्शन के अनंतर सामान्य अवलोकन रूप ज्ञान होता है, तो उसको ये समझ में आया कि थोड़ा ज्ञान होता है ना, तो उसने ये लिखा कि उसके बाद जो थोड़ा सा ज्ञान होता है वो अवग्रह है। इससे हमें भी सीखने को मिला कि स्टूडेंट ये समझ सकते हैं कि हमको थोड़ा ज्ञान हुआ है। आप समझते हैं ज्ञान थोड़ा नहीं होता है, माने ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान के प्रकरण में अवग्रह क्या है, सम्यक ज्ञान का ही भेद है, तो सम्यक ज्ञान के प्रकरण में अवग्रह में जो हुआ है वो कंप्लीट है अपने आप। उनका कहने का मतलब ये था कि अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं हुआ है, आप समझ रहे हैं, जैसे कि अवग्रह इहा अवाय नहीं हुआ है इसलिए वो थोड़ा है, तो उन्होंने लिख दिया थोड़ा है, लेकिन वो अवग्रह का जो विषय है वो अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम उसको थोड़ा शब्द का प्रयोग करेंगे, कम ज्ञान हुआ, तो उससे ऐसा लगेगा अवग्रह ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो अवग्रह का जो विषय है, अवग्रह में जो होता है वो कंप्लीट, तो किसी भी ज्ञान का विषय थोड़ा है। अब जैसे हम कह सकते हैं ना अवधि ज्ञान में थोड़ा होता है और केवल ज्ञान में पूरा होता है, ऐसे बोल देते हैं ना, मनःपर्य ज्ञान में थोड़ा होता है और केवल ज्ञान में पूरा होता है, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसमें एक भ्रम ये खड़ा हो जाता है कि जैसे मनःपर्य ज्ञान में थोड़ा होता है तो वहाँ ऐसा लगने लगता है कि मनःपर्य ज्ञान भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मनःपर्य ज्ञान का जो विषय है वो अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए कोई भी ज्ञान इनकम्प्लीट नहीं है, माने हर ज्ञान अपने आप में जो उसका विषय है, जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसका निर्धारण है, उसमें वो कंप्लीट होता है, उसमें कहीं कमी नहीं होती। अगर ऐसा हुआ ना प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि वो निर्णय कैसे करेगा, जितना है उतने का तो निर्णय वो कर ही रहा है। तो ये बात हमको भाषा को लेकर, इससे भाषा से ही समस्या आ गई ना, उसको बात पता है पूरी अपने, लेकिन ये भाषा के कारण ये थोड़ी समस्या आई। तो ये बहुत अच्छा सचिन का इम्प्रूवमेंट है और मुझे ये देखकर खुशी है कि वो जब सर्टिफिकेट में भी उसने परफॉर्मेंस दिया था बहुत अच्छा, और उसका ये था कि अभी ये करना ही नहीं है, बिल्कुल छूट रहा है, बीच बीच में ऐसा भी होने लगा था, लेकिन ये जो अध्यवसाय है सीखने की कोशिश है। और मैं तो पूरी यंग जनरेशन को इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप है ना हिंदी से बचिए मत, माने आप ये मत सोचिए कि हम कहीं हिंदी सीखिए, क्योंकि सारा अधिकतर साहित्य आपको हिंदी में समझने में आएगा। अब देखो संस्कृत की अनिवार्यता इसलिए नहीं करेंगे कि अभी पहले शुरुआत है, लेकिन कम से कम हिंदी में इतना उपलब्ध साहित्य, अगर हम हिंदी नहीं जानेंगे तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो भाषा सीखने की भी, माने ये हम मानते हैं कि हम डिप्लोमा के माध्यम से संस्कृत प्राकृत और हिंदी, इन भाषा की भी हमें एक ट्रेनिंग मिल रही है कि हमें अपनी अभिव्यक्ति कैसे देनी। सुमन लता जी, इन्होंने भी बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ कॉमन गलतियाँ, वही म वाली, और जैसे पहले भी बताया था ना कि स्वपूर्वार्थ जोड़ना, तो थोड़ा अलग अलग लोग लिख देते हैं, तो उसको एक साथ जोड़ करके लिखना है, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है। और
इन्होंने पार्ट थर्ड में प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद वाला प्रकरण लिया था, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, वो बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया है। अब हैं संजना जैन, ये नहीं आई ना, हाँ, इन्होंने पूरे संस्कृत की परिभाषाओं का प्रयोग किया है और बड़े मुझे लगा बड़ी मेहनत की है। जैसे नीचे के लक्षण, मान लीजिए एक लक्षण से भी काम चल सकता था, लेकिन उन्होंने उसके जो जितने भी वेरिएशंस, मैंने जितने भी पाठ हैं अन्य अन्य ग्रंथों के, वो भी याद कर लिए, तो ये तो मैंने बधाई के पात्र हैं कि इतनी मेहनत की। और उन्होंने मान लीजिए एक बात, न्याय किसको कहते हैं, तो जितने लक्षण हो सकते हो सारे सारे लिख दिए। तो ये एक हमारी प्रैक्टिस है कि हम इस तरीके से अध्ययन करते हैं। अब हमारे विजय जी विजय जी से हमको इतनी अपेक्षा नहीं थी, जैसा मैंने वो कहते रहते हैं कि हम भूल जाते हैं और हमको याद नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा लिखा। और भाषा का सुधार तो देखिए आवश्यक है ही, थोड़ा सा कम भी लिखा है, मैंने जैसे पार्ट थर्ड में ज़्यादा लिखा नहीं, बस भेद प्रभेद बता दिए, तो उसके कारण थोड़े से मार्क्स कम हो गए, लेकिन उसको भी अगर वो लिखते तो सबके बराबर आ सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े प्रश्न पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मार्क्स का है ना, तो मान लीजिए चार्ट बना दिया, तो चार्ट बनाने से तो नंबर मिल गए आधे लगभग, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन, बड़े प्रश्न का अर्थ ही होता है कि उसको, उसके बारे में हम डिटेल में लिखें, इसलिए इम्पॉर्टेंट। अब देखिए संतोष जी, संतोष जी से तो मुझे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी लेकिन इन्होंने भी बहुत सुंदर प्रतिपादन किया और संस्कृत की परिभाषाएं बहुत अच्छी लिखी, ये मुझे खुशी हुई। और कुछ एक हिंदी में जगह है कहीं पर, तो मैंने उसको वहीं पर ठीक कर दिया है, तो हमको वो परिभाषा फिर से हम मिला लेंगे एक बार। और ये अब खुद मिलाएं कि संतोष जी के ज़्यादा हैं कि विजय जी के ज़्यादा हैं हमारे अब देखिए जो मुझको, जिन पे बिल्कुल विश्वास नहीं था उन्होंने दो कमाल किए हैं, साधना जी, साधना सरावगी जी, दो कमाल किए हैं। एक, इन्होंने सर्टिफिकेट परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर, इसके लिए तो आप कार्य। और उसका कारण ये, पिछली बार आपने सर्टिफिकेट परीक्षा इसलिए नहीं दी थी कि मैं कैसे लिखूंगी, इस स्वाध्याय बहुत करती हैं, पढ़ती हैं, सब है, लेकिन एक मन में संकोच के मैं लिखूंगी कैसे, तो एक तो वो, और इसको देखकर तो मुझे लग ही नहीं रहा कि ये वही है, ये जो कॉपी है इसको देख के मुझे लग ही नहीं रहा। आपको साधना जी फील हो रहा है ये, अब आप कितनी एक्यूरेट हो जाएंगी चीज़ लिखने में, जब लिखने लगे तो इससे लग रहा है जैसे कोई परिपक्व व्यक्ति लग रहा है। क्या था कि उन्होंने बहुत स्वाध्याय किया है, मैं उनको पहले से जानता हूँ, तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति, मतलब सारा ज्ञान प्रैक्टिस में है, समझ भी पूरी है, लेकिन वो एक्सप्रेशन में संकोच होता था, तो अब वो संकोच उनका टूट गया है, अब वो किसी से डरेंगे नहीं, अब पूरे एग्ज़ाम इसके भी, डिप्लोमा के भी फाइनल देंगे। मैं इस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ जैसे अंजू जी भी हैं, इन्होंने भी देखिए बिल्कुल डरी नहीं, हथियार नहीं डाले, ये परीक्षा तो देंगे, हाँ। और इसी तरह अंजू जी ने भी बहुत अच्छा, देखिए इन्होंने संस्कृत के भी लक्षण लिखे, जितने भी लिख पाई वो बहुत अच्छा था, हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। और देख सूत्र लिखे हैं, और देखिए ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए तत्वार सूत्र के सूत्र आपको याद है, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रमाण नय का चल रहा है तो इसी ग्रंथ को, तत्वार सूत्र का भी कोई आते ही है, जैसे प्रमाण नई रधिगम आ गया, या सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य आ गया केवल, तो वो सूत्र प्रयोग करिए, ऐसा नहीं है, आप द्रव्य संग्रह का भी लिख दीजिए, वही हमने को तो उत्तर अच्छा से अच्छा लिखना है, तो आपको जो भी लगे, इन्होंने अच्छी राइटिंग भी लिखी और अच्छे प्रतिभा। ये निमित्त तो कोई ना कोई बनता है, और मैं मानता हूँ ये आप थोड़ा हिंदी और इम्प्रूव कर लीजिए तो एकदम एक्सप्रेशन सही आ जाएगा। और वो मैंने इसलिए जानबूझ के थोड़ा समय भी लगाया इसको चेक करने में, तो मैंने वहीं पर लाइन भी सुधार दी है, मैंने एक होता है सिर्फ गलत बता दो तो लोगों को रहता है ये गलत है, लेकिन उसमें सही क्या है, तो मैंने उस जगह थोड़ा सा लिख भी दिया है, और छोटी छोटी भी सुधारी है। चारवी के साथ भी हिंदी की समस्या थी, और लेकिन चारवी ने इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा किया, और इसमें जो लक्षण लिखे हैं उसकी भाषा
पहले की अपेक्षा बहुत इम्प्रूव्ड है और बहुत अच्छे उत्तर लिखे, और कम नहीं लिखा, पूरा पूरा मैटर लिखा है, बहुत अच्छा, इसको भी बधाई। चार भी आपको लियो तो ये उसी आप दे देंगी। अब ये हमारी स्टूडेंट है दीपा, आचार्य प्रथम वर्ष में, तो इसने तो बहुत चतुराई से काम किया और पूरा संस्कृत में सारे लक्षण लिखे, बाद में हिंदी में अर्थ भी बताया, और सबसे बड़ी खुशी की बात है टू दी पॉइंट बात की। बस एक बड़े प्रश्न में लास्ट में टाइम नहीं बचा था, ऐसा जब हम कहते हैं ना टाइम नहीं बचा था तो ऐसा लगता है अगले की गलती है हाँ, जो भी है इसने भी बहुत अच्छे नंबर, लगभग कम पूरे पूरे नंबर लिए, अगर लास्ट वाला प्रश्न बड़ा पूरा करती तो नंबर बहुत अच्छे। इस तरह हमारी पूरी कॉपियां यहाँ पर संपन्न हो गई। किसका? हाँ हाँ दे दी। वो अभी हम से ले लीजिए, मेरे डेस्क पे रखी हुई है। तो आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करें, आज का जो हमको मैटर लेना है, वैसे तो आधी क्लास इसी में हो गई, ये भी इम्पॉर्टेंट थी, और अब हम अगला भी एक टेस्ट करेंगे। कब करेंगे? जब हमारा ये तीसरा द्वार है ना, तृतीय द्वार और चतुर्थ द्वार, ये दो नहीं, चौथा बहुत छोटा है, चौथा छोटा है, तो जब हम तृतीय और चतुर्थ, इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो तृतीय और चतुर्थ का भी एक टेस्ट इस तरह से हम लेंगे, और हम अपने आप में जब इंस्टॉलमेंट में हम मजबूत होते जाएंगे धीरे धीरे, तो सीधे एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा भय या डर नहीं लगेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ की, और टेस्ट देने के लिए कुछ दो लोग रह गए, एक पदम चंद जी ने नहीं दिया और एक मेघा ने नहीं दिया, तो उनसे भी कामना है कि वो जल्दी इस टेस्ट को, तो टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरनल असाइनमेंट में जो 20 मार्क्स हर पेपर में हैं, उसमें आपको जो इंटरनल और भी कई गतिविधि हैं, तो सब कम से कम उसकी पूर्ति होनी चाहिए कि इन्होंने ये टेस्ट दिया है, आपकी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, तो ये भी आप देख के फिर मुझे वापस कॉपी जमा कर देंगे। अब आप देखो, मैं थोड़ा उस पर साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ, जैसे मॉडल पेपर बहुत पहले से देना ठीक नहीं है। सर, उससे फिर वो बहुत लिमिटेड हाँ, हम आपको सिर्फ पेपर ही थोड़ी पढ़ाना चाहते हैं, पहले आपको कि सब कहीं से भी कुछ भी, फिर मॉडल, तो ताकि एकदम से घबराहट ना हो कि हाँ भाई ऐसा आएगा, फिर उसमें से भी छटे हुए प्रश्न आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं ऐसे मॉडल में वाले 10 प्रश्न दिए हैं, तो कम से कम वो 10 प्रश्न याद तो कर ले, भले ही आएंगे उसमें से 5, लेकिन वो 10 हमारा उद्देश्य क्या है, वो हमको तैयारी होनी चाहिए, तो इस उद्देश्य से ही तो मॉडल पेपर तो जब भी एग्ज़ाम होगा उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले, हाँ 2-3 दिन पहले बता देंगे, तो उस हिसाब से तैयारी कर लें, लेकिन अभी हमको पूरा समझना है और पढ़ना है। नहीं, 2-3 दिन पहले कर देंगे, हाँ इसीलिए जब हमारा टेस्ट डिसाइड होगा ना, उसके हम 2-4 दिन पहले वो दे देंगे आप, उसमें क्या होता है किसी के पास तुरंत समय नहीं है, तो कम से कम 1-2 दिन गैप रहना चाहिए। हम लोग अभी किस प्रश्न पर आ गए थे? अनुमान हो गया था ना, साधन और साध, ये साधन और साध्य, अभी हमने अनुमान पढ़ा ना, साधन से साध्य का होना, ज्ञान होना, ये अनुमान कहलाता है। इसका लक्षण बोलिए, बहुत सरल था, मैंने आपको याद कराया था, अनुमान का क्या लक्षण है? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, एक बार बोलिए तो, साधनात् साध्य विज्ञानम, ये याद रखना है। अब अनुमान का लक्षण आपसे जब पूछा जाएगा, खासकर छोटे प्रश्न में, तो आप यही उत्तर लिखेंगे। अब हो सकता है आपका जब तक एग्ज़ाम हो तब तक थोड़ा सा पैटर्न यहाँ बदलने की बात चल रही है, तो जो 3 नंबर का प्रश्न है वो नहीं आएगा,
जैसा अभी मीटिंग्स हुई हैं तो सीधे वो 5 नंबर का और 10 नंबर का ऐसे बड़े बड़े प्रश्न ही आएंगे। 3 नंबर वाले जो छोटे हैं वो अब स्कीम से हट रहे हैं धीरे धीरे। और सिलेबस भी बदलने की बात चल रही है पूरा एक, और आप लोग तो फर्स्ट बैच के हैं ना तो काफ़ी सुविधाएं मिल गई कई तरह की। अब सेमेस्टर भी होगा अगले बार से डिप्लोमा वालों का, और 4 पेपर होंगे, अब 2 पेपर डिप्लोमा में नहीं चलेंगे। अब एक कॉमन स्कीम बन रही है कि अभी तो क्या था कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो अपने हिसाब से पेपर निर्धारित कर लेते थे, लेकिन अब एक कॉमन फ्रेम बन गया है कि आपको वो कोर्स चलाना है तो उस फ्रेम में ही आपको सारी बात। तो 4 पेपर होंगे डिप्लोमा में और इसी तरह सर्टिफिकेट में भी 4 पेपर होंगे, मैंने हर सेमेस्टर में 4 होंगे, तो 8 देने पड़ेंगे डिप्लोमा वालों को, 4 फर्स्ट में 4 सेकंड में, सर्टिफिकेट वालों को 4 ही देने पड़ेंगे। अब जो नेक्स्ट बार से जो भी चलेगा, अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ सिस्टम में आ रही है तो स्कीम भी बदल रही है। अरे अब वो बाद में बताएंगे, आपके निर्धारित हुए नहीं ना कौन कौन से होंगे, अभी तो बात चल रही है इसलिए बता रहे हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि 2 ही पेपर। तो हम लोगों ने अनुमान का लक्षण पढ़ा था, साधनात् साध्य क्या है, साधनात् हिंदी में क्या होगी परिभाषा, इस प्रश्न की, इस मैटर की मैं थोड़ी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि एक प्रश्न आया था प्रत्यक्ष के समय में, छवि तुम लोगों ने किसी ने किया था और मैंने इसीलिए व्हाट्सएप पे भी पूछा था कि वो क्या प्रश्न था। उसमें प्रश्न था कि अप्रत्यक्ष का लक्षण जो सांख्य ने बतलाया है, प्रतिभास विषय ऐसे करके है ना, प्रत्यक्ष क्या है पढ़ना जरा, जो सांख्य का प्रत्यक्ष का लक्षण है उसको, हाँ सम्मुख स्थित विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष, तो इसको उसमें नीचे लिखा है कि ये तो अनुमान की तरह है, क्या लाइन पढ़ना, हाँ अब ये अनुमान का प्रकरण आ गया, अब हमको ये बात समझनी है। वहाँ ये कहा कि क्योंकि ये बात, ये लक्षण ही अनुमान में भी पाया जाता है इसलिए आपका ये लक्षण ठीक नहीं है, लेकिन ये अनुमान में तो दूसरा लक्षण चल रहा है, वहाँ तो वो तो अपना कह रहे हैं प्रत्यक्ष विषय का प्रतिभास, सम्मुख स्थित माने सामने स्थित विषय का प्रतिभास होना, और अनुमान का क्या लक्षण है, साधन से साध्य का ज्ञान होना, माने अभी अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं है उसको, अग्नि का तो अनुमान ही लगा रहा है, वो साध्य का विज्ञान है, अग्नि साध्य है तो साध्य का विज्ञान है, मैंने साध्य का ज्ञान होना है उसको, और साधन से तो प्रत्यक्ष उसको तो साधन है, अभी प्रत्यक्ष क्या, वो किसको देख रहा है सबसे पहले, साधन को, धुएं को देख रहा है, तो प्रत्यक्ष तो है नहीं, तो वहाँ हम ये कैसे कह रहे हैं, ये जेन्युइन क्वेश्चन था, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न था, और ये कैसे कह रहे हैं कि ये तो अनुमान में भी पाया जाता है जबकि अनुमान में ऐसा लक्षण दिख नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे वहाँ दिख रहा है। ये एक टेक्निक है, इसमें हमने थोड़ा न्याय मंदिर में भी संशोधन सुझा दिया है इस बारे में, और अगले एडिशन में आ जाओ वो चीज़ थोड़ी सुधर के आ जाएगी। इसमें इतना मैंने आपसे कहा ना, लेखक भी बहुत सावधानी से एक एक शब्द नाप तौल के लिखते क्योंकि अर्थ बदल जाते हैं। हमने इसमें जो चर्चा हुई वो ये है कि सांख्य जो अनुमान का लक्षण मानता है, क्या ये हमारे अनुमान से नहीं है, सांख्य जो अनुमान का लक्षण मानता है ना, जो भी उसका अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष जैसा ही है, तो कह रहे जब यही बात प्रत्यक्ष में है और यही अनुमान में है तो इसका मतलब आपके दोनों ही लक्षण ठीक नहीं है, फिर प्रत्यक्ष और अनुमान में भेद तो होना चाहिए ना, तो कह रहे हैं कि यही बात अनुमान में भी पाई जाती है, ऐसा लिखा है ना उसमें कि यही बात अनुमान में भी पाई जाती है, तो ये अनुमान में पाई जाती है माने हमारे अनुमान में नहीं पाई जाती। हाँ अभी क्या होता है, एक होता है न्याय में प्रत्यक्ष द्वार में, न्याय शास्त्र में एक बहुत बड़ा गेम चलता है, वो क्या है कि पहले तो उसको स्ववचन बाधित कर दो, क्या स्ववचन बाधित कर दो कि अगला जो प्रतिपक्षी है उसके खुद के वचन उससे कट रहे हैं, अगर
कैसे पूर्वापर में या इधर उधर, जैसे एक बार उसने ये बात बोली और फिर दूसरी बात ये बोली, तो जो उसकी पूर्व की बात थी उससे उसकी आगे की बात खुद ही कट रही है। तो जब कोई मान लीजिए कोई जैसे कोई खुद ही लड़ रहा हो तो उसको लड़ाने की जरूरत क्या है, ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी उसको मारने की क्या आवश्यकता है। मान लो दो लोग जिनको हम वो करना चाहते थे, हराना चाहते थे, अगर वो खुद ही लड़के हार रहे हैं तो हम अननेसेसरी क्यों प्रैक्टिस करें। तो वही बात है, जैसे उनके वचन खुद में ही बाधित हो रहे हैं, वो खुद से ही उनकी बात कट रही है, खुद से ही सेट नहीं हो रहा है। आपको मालूम है सबसे बड़ी बात होती है किसी भी विषय में, खासकर करणानि योग के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। करणानि योग का विषय आपने तीन लोग के बारे में पढ़ा, और करणानि योग के विषय बिल्कुल सब अतींद्रिय ज्ञानी वाले विषय है ना। हम अभी उसमें अनुमान और ये प्रत्यक्ष करना चाहें तो उसमें नहीं होगा, तो अतींद्रिय ज्ञानी का विषय है। तो अब कोई कहे ये गलत है सही है तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, तो झूठ तो फिर सभी झूठ है और सही मानो तो सारा ही सही है, तो ऐसे कैसे होगा, हम कैसे उसको सिद्ध करेंगे। उसके भी तरीके हैं, न्याय शास्त्र का प्रयोग अगर करना हो करणानि योग में तो उसके लिए एक मापदंड मैं जो समझता हूँ वो ये है कि आप दूसरे से एक तो तुलना मत करो, क्या न विज्ञान से तुलना करो, न दूसरे यहाँ जो तीन लोग का वर्णन उससे भी तुलना मत करो। क्यों, हर हर जगह अपने अपने हिसाब से बताई गई बात। पहले तो जिस आचार्य ने जो शास्त्र लिखा उसको पूरा समझ, और उनका आपस में कंट्राडिक्शन तो नहीं है, खुद के खुद में तो खुद का गणित तो ठीक है ना, खुद का हिसाब किताब तो ठीक है ना। जैसे मैंने कोई ग्रंथ लिखा और मैंने शुरू से हिसाब किताब बताना शुरू किया अंत तक सब चीज का, तो मेरे जो हिसाब किताब में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो मेरा शास्त्र अपने में तो पूर्ण है ना। तुम तुलना उल्ला करके कहते फिर हो कि वो विज्ञान ने नहीं देखा और हमने देखा और ऐसे, वो एक अलग बात है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपने मेरे ही में कमी दिखा दी कि आपने वहाँ तो ये हिसाब बतलाया था और यहाँ ये, और टोटल जोड़ के ये जो बताया है आपने ये तो बैठ ही नहीं रहा है, वो अलग अलग माप बताया फिर जोड़ के जो आपने बताया वो तो हिसाब ही ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपकी गणित कमजोर है, आप अपने आप में सिस्टमेटिक नहीं हो। चूंकि उनका जो विषय है वो स्वयं में पूर्ण है, उसमें आप अगर गलती दिखाते हो तो वो बाधित हो जाएगी उनके में, लेकिन अपने आप में कंप्लीट है और इतना सूक्ष्म विज्ञान है इसलिए पता चलता है कि ये ज्ञान अतींद्रिय ज्ञान के अलावा कोई बुद्धि से प्रकल्प से कल्पना करके तो ये काम कर नहीं सकता। तो ये निश्चित ज्ञानी केवल ज्ञान का विषय है और उस विषय के अनुसार वो बात सेट हुई है, तो उसको उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह मान लीजिए सांख्य ने कोई लक्षण बतलाया प्रत्यक्ष का, तो आपको लग रहा है कि मेरे हिसाब से तो ठीक बैठ रहा, उसने जो बात बताई मेरे हिसाब से तो ठीक बैठ रही, तो अब क्या उसको ठीक कह दें, उसके लक्षण को ठीक कह दें, तो क्या कह देना चाहिए, वो जरूरी है उसको कोई गलत कह रहा है कोई सही कह रहा है तो उसको काटो, कि नहीं 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 हम उनकी दूसरी बातें भी चेक करें। अब जब हमने देखा वो अनुमान में भी यही बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये खुद डिसाइडेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये खुद डिसाइडेड नहीं है और इन्होंने अपना अभी इनका खुद का हिसाब निश्चित नहीं है, इसलिए इनका यह सही बतलाया हुआ उत्तर भी गलत है, संशयात्मक है, इसलिए उनका लक्षण सही नहीं है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी बतलाया जाता है, अपने आप में जो चीज परफेक्ट ना हो खुद में ही बाधित हो रही है एक दूसरे लक्षणों से, तो वो उस लक्षण को हम ये मानेंगे ना कि इसका जो वक्ता है यानी बनाने वाला या लक्षण कहने वाला वो आप तो नहीं है, और ये अभी जो बात कह रहा है ये हमसे टैली हो रही है और सही लग रही है, ये तो बाई चांस बात सही हो रही है, लेकिन ये खुद में डिसाइडेड नहीं है, इसलिए भी गलत बोला जाता है, इसलिए भी आपका लक्षण ये ठीक नहीं है। आप जब आप तो परीक्षा ग्रंथ पढ़ेंगे, कभी अवसर मिला साथ बैठकर पढ़ने का भी तो बहुत आनंद आता है, उसमें इस बात का प्रयोग बहुत किया गया है कि ये वाली बात अगर सही भी है आपकी कोई चीज़, तो चूंकि आपके यहाँ ये लक्षण ही गलत है, वो आपके यहाँ ये वाली बात पहले से ही असिद्ध है,
तो ये वाली बात भी आपकी ठीक नहीं होगी। इसका कारण क्यों, ऐसा क्यों करते हैं कि किसी की एक बात सही हो जाने से, मान लो कोई एक बात सही बोल भी दी, आपको पता है पॉलिटिक्स में भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छी बात बोल रहा है और जेन्युइन बात है, लेकिन उसका भी विरोध कर देते हैं। उसका कारण क्या है कि ये जो आज ये कह रहा है ना, पहले इसने ऐसा ऐसा किया है, इनका इतिहास देखो और इनका इतिहास अच्छा नहीं है, इसलिए आज ये जो बात कह रहे हैं ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ठीक नहीं है, तो जो इसके वचन है वो भी ठीक नहीं है। अब उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन चूंकि इनके खुद की हिस्ट्री ठीक नहीं है और खुद ही अपनी बातें बदलते रहे हैं, तो आज के इसके इस संवाद को हम कैसे रिलायबल मान लें, कैसे भरोसा कर लें? तो क्या करते हैं, उस बात पे बहस नहीं करते, पीछे से जाके काटना शुरू करते हैं और कहते हैं इनकी ये बात भी गलत। इसीलिए इस तरह की बात अगर कहीं आती है तो उनके दूसरे लक्षणों से तुलना करके उनको गलत सिद्ध किया जाता है। अब हमको आज साधन और साध्य की तो हम चर्चा कर चुके थे, इसकी हो गई थी ना चर्चा। शक्य किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जब दो पक्ष और विपक्ष बहस कर रहे हैं, किसी तत्व का निर्णय कर रहे हैं, तो उनके बीच में ये बातें जरूर होना चाहिए। साध्य कैसा होता है, साध्य शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध होता है। ये भी कुछ थोड़ी बहुत बात हुई थी शायद। एक तो शक्य का लक्षण है कि जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध किया जा सके उसे शक्य कहते हैं। जो चीज शक्य मतलब क्या होता है, कैन पॉसिबल, हो सकता है, और कांट पॉसिबल हो कि सब ये संभव ही नहीं है, तो वो चीज हमारी साध्य नहीं बन सकती। जैसे पर्वत पर अग्नि है तो वो संभव है, मतलब पर्वत पर अग्नि एक संभावना है कि होती है, तो उसकी दोनों वादी प्रतिवादी को वो है कि उसको सिद्ध करना है, तो असंभव चीज होती तो उस पर चर्चा करना व्यर्थ थी। इसलिए एक तो शक्य होना चाहिए। 24वां प्रश्न है, अभिप्रेत होना चाहिए। अभिप्रेत का अर्थ होता है इष्ट, माने जिसे सिद्ध करना वादी को अभीष्ट हो, अभिप्रेत हो, वादी माने जो अपनी बात प्रूव कर रहा है। और ऐसा भी होता है प्रतिवादी को भी अभिप्रेत होना चाहिए। जैसे हम तो सिद्ध कर, मान ली दो लोगों के बीच में बहस कब चलेगी, जैसे आप भी मोक्ष को मानते हैं, हम भी मोक्ष को मानते हैं, हमारा दर्शन अलग है, आपका दर्शन अलग है, और लेकिन हमने कहा साहब मोक्ष तो हमें भी चाहिए, हम भी मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी है, तब हम आप मोक्ष मार्ग पर चर्चा कर सकते हैं। एक कहे हमें मोक्ष जाना ही नहीं है, मोक्ष होता ही नहीं है, तो उससे एक तो बात करना मुश्किल हो जाएगा कि जब उसको इष्ट ही नहीं है वो चीज़, तो हम उससे क्या डिस्कशन करें। तो और हमें भी इष्ट ना हो तो भी उस विषय पे चर्चा नहीं हो सकती, जब हमें भी मोक्ष नहीं चाहिए आपको भी नहीं चाहिए, तो अब मोक्ष पे हम कैसे डिसीजन करेंगे, कैसे इस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम उस समय ये कहते हैं कि साध्य ऐसा होना चाहिए, अभिप्रेत भी होना चाहिए, इष्ट भी होना चाहिए। अगर इष्ट नहीं होगा तो वो असिद्ध हो जाएगा। और दूसरा, अप्रसिद्ध भी होना चाहिए। अप्रसिद्ध, असिद्ध किसे कहते हैं, कि जो प्रतिवादी को संदेह आदि के कारण स्पष्ट ना हो, सिद्ध ना हो। अभी देखिए, हम अगर एक सी मान्यता के लोग हैं तो हम उन विषयों पर डिस्कशन नहीं करते जो दोनों को मान्य है। जैसे मोक्ष होता है, जैसे आत्मा होती है कि नहीं होती है, आत्मा है कि नहीं है, अगर हमारी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ये माने नहीं है, तो फिर उस पर आत्मा की सिद्धि पर हम चर्चा करना शुरू करें। लेकिन आप भी सब मानते हैं आत्मा है और हम भी मानते हैं, तो कह रहे हैं फिर इस ये हमारा साध्य नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें हमारे लिए क्या है, ये सिद्ध है पहले से, इसको ये असिद्ध नहीं है, तो इसको हम सिद्ध करने की जरूरत नहीं। तो एक तो ये भी है कि चीज असिद्ध भी होनी चाहिए तब जा करके उस पर सिद्धि करने का प्रयास हो। तो साध्य इस तरीके से तीन तरह का होता है, एक शक्य होना चाहिए, दूसरा अभिप्रेत होना चाहिए और तीसरा अप्रसिद्ध होना चाहिए। अब हम अनुमान के भेद पर जाते हैं। साध्य का लक्षण बतला दिया, अब अनुमान का भेद।
इसको शॉर्ट में ले लेते हैं, बाद में विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। इसको थोड़ा पढ़कर भी आइएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा टेक्निकल माने उपयोग एकाग्र करने की आवश्यकता, कठिन नहीं है। उपयोग एकाग्र नहीं होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और उपयोग एकाग्र होगा तो एक मिनट में समझ में आ जाएगा, इतना ही अंतर रहेगा। उपयोग एकाग्र नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा शब्द उलझते हैं बीच बीच में, तो वो एकदम भेद विज्ञान बना के चलना पड़ेगा शब्दों में, तब स्पष्ट होगा। अनुमान के दो प्रकार के भेद किए, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। कौन हुए दो भेद? ठीक है, स्वार्थानुमान, स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? जब हम स्वयं जानते हैं, हमने स्वयं अनुमान कर लिया अपने से ही, हमने अग्नि धुआं देखा और पर्वत पे अग्नि का अनुमान किया, बोला वोला नहीं किसी से कुछ, हमने ही देखा, हमने ही जान लिया, और हमने पहले भी देखा था तो हमें अनुमान हो गया, तो ये तो स्वार्थ अनुमान, इसमें वचनों की आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ अनुमान, स्व अर्थ अपने लिए, हाँ स्वार्थ का अर्थ क्या होता है? स्व अर्थ अपने लिए, जो अनुमान हो रहा है खुद के लिए। अब आपको जो खुद आप जान लेते हैं तो आप किसी से पूछते थोड़ी हैं इस चीज को, है ना। दो आजकल जो संवादहीनता समाज में बढ़ रही है, फैमिली में भी बढ़ रही है, आपस में बातचीत कम करने लग गए लोग, उसका कारण क्या है? डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। हम जब डिपेंड रहते हैं, जैसे मुझे कुछ समझने के लिए हम आप पे डिपेंड हैं, तो हम बार बार पे आपसे पूछेंगे। दो तरह की डिपेंडेंसी, एक नॉलेज बेस्ड होती है, एक फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी सेल्फ डिपेंड है, इसलिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं तो जिनसे पैसे चाहिए होते उनसे बातचीत करते रहते थे, बना के रखते थे कि वो बंद ना हो जाए। अब फाइनेंशियली हम अपने ऊपर डिपेंड हैं। दूसरा नॉलेज, कुछ हमें समझना है, कुछ पूछना है, तो अब वो मोबाइल पे गूगल में देखते हैं, पूछते नहीं है बगल वाले से भी, पता भी पूछना है तो ये नहीं पूछते भैया कौन सी गली में जाना है, उस पर देखते हैं, तो किसी से बात ही नहीं करते। घर में भी समझना नहीं है किसी से, जो पूछना है यहीं देख लेना है, तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। तो अब वो जो परार्थानुमान है कि हम दूसरा हमें बताएगा, स्वार्थानुमान चल रहा है कि हम अपने ही से कर लेंगे हर काम, अब हमें किसी से, तो व्यक्ति क्या है अपने आप में सीमित होता जा रहा है ना। वो सोशल मीडिया हमें अनसोशल ज़्यादा बना रहा है, तो हम बातचीत करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको सब पता चल गया और हम स्वार्थ के पुजारी हैं, हमें जब स्वार्थ होता है तो बात करते हैं, जो जरूरत हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इसलिए वो संवादहीनता बढ़ रही। तो ये स्वार्थानुमान क्या करता है? स्व के अर्थी जो ज्ञान होता है, ठीक, अपने लिए। तो इसकी परिभाषा एक बार देखें हम, परोपदेश के बिना, किसी ने बताया नहीं, स्वयं में भी होने वाला अनुमान, परोपदेश के बिना स्वयं में भी होने वाला अनुमान। अब अनुमान शब्द की परिभाषा तो आपको पता है, इसलिए इसमें पूरा नहीं लिखना है, जैसे साधन से साध्य का ज्ञान, ये पहले निश्चित हो चुका है, अब सिर्फ अनुमान की बात करते हैं। बिना किसी ने समझाया नहीं और न सुना, खुद ही देख के समझ लिया, तो इसको बोलते हैं स्वार्थानुमान। अब उसी का जस्ट विपरीत परोपदेश से होने वाला अनुमान, जैसे हमने स्वयं धुआं नहीं देखा, मान ली यहाँ पीछे कहीं आग लग गई, तो एक विद्यार्थी दौड़ा हुआ आया कि सर वहाँ आग लग गई, तुम्हें कैसे मालूम? अग्नि तो उसने भी नहीं देखी, वो सर धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, तो धुआं तो हमने भी नहीं देखा, देखा किसने? उसने, उसने आके बताया कि वहाँ अग्नि आग लग गई है क्योंकि हमने धुआं देखा है। तो ज्ञान तो किसने किया? उसने, स्वार्थानुमान उसका हुआ। अब वचनों का प्रयोग होते ही परार्थानुमान हो जाता है, क्योंकि पर उपदेश दूसरे को बता रहे हैं, तो जब वो परोपदेश कर रहा है तो उस समय वो उसके लिए भी परार्थानुमान है, हमारे लिए भी परार्थानुमान। कहते हैं ना, व्यवहार में आते ही परार्थानुमान हो, जब चुपचाप अकेले जाना था तब तो स्वार्थानुमान था, और अब परोपदेश की जिसमें अपेक्षा रहती है, परोपदेश से होने वाला अनुमान, उसको परार्थानुमान कहते हैं। स्पष्ट हो गया? दो हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो जब हम अपने आप ही कोई चीज जान लेते हैं, ऐसा होता है ना, हम स्वयं ही जानते हैं, व्याप्ति का ज्ञान है, लेकिन परार्थानुमान में भी जिसको हम बता रहे हैं, जो श्रोता है, और एक तो बोलने वाला वक्ता है जो
उस अनुमान के बारे में बता रहा है, तो जो श्रोता है व्याप्ति का ज्ञान उसको भी होता है, नहीं तो वह अनुमान नहीं कर पाएगा। जैसे उसने बताया हमें, हमने कहा तुम्हें कैसे पता कि वहाँ आग लगी है, कि मुझे धुआं उड़ता हुआ वहाँ दिख रहा है और आके उसने सूचना दी। तो हम सबको ये व्याप्ति का ज्ञान पहले से था कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, इसलिए हमने तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो व्यक्ति कह रहा है तो सही में आग लगी होगी क्योंकि उसने धुआं देखा है। अब हमने ना धुआं देखा ना अग्नि देखी, हमने तो ये बात कैसे जानी, सुन कर शब्दों से जानी, सिर्फ परोपदेश की अपेक्षा होने से वो प्रार्थानुमान हो गया। अब आप खुद जा करके देख लेंगे तो अब निर्णय तो खुद ही करने में दिक्कत नहीं है। तो जब खुद निर्णय होता है तो स्वार्थानुमान कहलाता है, और जब कहीं पर की अपेक्षा हो जाती है तो उसको हम परार्थानुमान कहते हैं। मुझे लगता है अगली क्लास का समय हो गया है, तो अब हम यहीं पर विराम देंगे। आज दो तरह की बातें हो गई, एक अपने कॉपी पर बात हो गई और दूसरा हाँ मुझे